दोस्तों Redmi बहुत ही जल्द अपना पहला मोस्ट अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जो कि होने वाला है Redmi Note 9 Pro, जिसमें कि 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, Snapdragon के 700 सीरीज का प्रोसेसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और उसके साथ ही 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इसी स्मार्टफोन में और क्या होने वाला है इसका कन्फर्म स्पेसिफिकेशन और इंडिया में इस स्मार्टफोन को कब तक कितने प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करें अगर स्मार्टफोन की बिल्ड और डिजाइनिंग से, तो दोस्तों Redmi Note 8 के जैसा ही स्मार्टफोन में भी आपको ग्लास बैक का डिजाइन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको छोटे मोटे थोड़े इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएंगे, बट दोस्तों ग्लास बैक का डिजाइन देखने को मिलेगा Redmi Note 9 Pro में भी। और उसके साथ ही अगर बात करें स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल, जो कि आने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। और उसके साथ ही बात करें स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल्स का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जैसा कि Redmi Note 8 Pro में हमें देखने को नहीं मिला था। तो दोस्तों Redmi Note 9 Pro में आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है Snapdragon के 700 सीरीज का प्रोसेसर, जो कि 5G की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर Qualcomm की तरफ से पहला बजट 5G प्रोसेसर कंफर्म हो चुका है, जो कि होने वाला है Snapdragon 735 का प्रोसेसर, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है Snapdragon की तरफ से। तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली स्मार्टफोन में भी Snapdragon का 735 का प्रोसेसर ही देखने को मिलने वाला है। एंड उसके साथ ही अगर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों Redmi Note 9 Pro में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा, जो कि 13 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। एंड उसके साथ ही स्मार्टफोन में आपको टाइप सी और 3.5 mm ऑडियो जैक का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। अब फाइनली बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की रियर साइड की कैमरास की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 108 मेगापिक्सल्स का क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट, जहां 108 मेगापिक्सल्स का कैमरा सैमसंग का होने वाला है। और उसके साथ ही यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल्स का एक माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में। उसके साथ ही यहां पर आपको स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि MIUI 11 को सपोर्ट करेगी। एंड फाइनली बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट Redmi Note सीरीज के जैसा ही 14 से 15 हज़ार रुपये के करीबन देखने को मिलने वाला है, बेस वेरिएंट 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। एंड फाइनली बात करें स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को इंडिया में 2020 के फर्स्ट क्वार्टर तक लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करा है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल।